आधुनिक कृषि विज्ञान के द्वारा नई नई तकनीक के साथ कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता का नाम किसी ख्याति से कम नहीं। जी हां, मुरादाबाद के दिल्ली रोड मनोहरपुर स्थित कृषि संसाधन केंद्र चला रहे डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता इन दिनों तीर्थंकर महावीर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कृषि की नई उपज और नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा तीर्थंकर कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नई फसल और उसकी बेहतर उपज पर जानकारियों से रूबरू कराया जा रहा है। कृषि पर अपना भविष्य तलाश रहे युवा भी इस ओर मन लगाकर काम कर रहे हैं। अपने संसाधन केंद्र पर उनके द्वारा कुछ अलग हटके खेती की नई तकनीक को बल दिया जा रहा है। डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता कहते हैं कि उनके द्वारा गेहूं की 3 अलग अलग किस्म को तैयार किया गया है जो कई मायने में फायदेमंद रहेंगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये गेहूं की उपज सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। वहीं जीरा और अन्य तरह की खेती भी उनके यहाँ की जा रही है। सिटी चैनल से विशेष वार्ता के दौरान डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता द्वारा बताया गया। कृषि महाविद्यालय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने एक जार्ट्स, हमारा जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र है मनोहरपुर, एक MOU साइन हुआ है हमारे और उनके बीच में, जिसके अंतर्गत जो है उनके यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं फाइनल ईयर के बच्चे, वो हमारे यहाँ आकर के, हमारे संस्थान में आकर के एक अपना रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, जो फाइनल ईयर में होता है कि ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर वो अपना कार्य कैसे करेंगे उसके बारे में तजुर्बा हासिल करेंगे। उसके अलावा एक योजना और है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, तो वो भी एक फाइनल ईयर का क्लास का एक वो होता है। तो उसमें जो बच्चे हैं वो हमारे संस्थान पर आएंगे और यहाँ पे विभिन्न जो कृषि के अंदर क्या क्या हम स्वरोजगार कर सकते हैं उन लोगों को, उन चीज़ों का यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और वो उनको यहाँ से सीख करके अपने जीवन में अपनाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे उनके दिमाग के अंदर कुछ नए स्टार्टअप्स आ रहे होंगे तो हमारे एक्सपर्ट के साथ वो शेयर करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी टीम, वो उनके स्टार्टअप्स को जो है मदद करेगी आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि जो संभावना है रोजगार की वो और बढ़ेंगी। हाँ, निश्चित तौर पे। और जो हमारे यहाँ पर फसलों के ऊपर भी प्रदर्शन लगे हुए हैं या हम लोग उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ पर गेहूं की 3 वैरायटी, जिसमें एक काला गेहूं, एक बैंगनी गेहूं और एक जो है लोकल वैरायटी है कुदरत, वो लगा रखी है हमने। सरसों को भी हमने, एक पीली सरसों को और दूसरा हमने सरसों को ही एक दूसरी विधि से लगा रखा है, जिसके अंदर ट्रांसप्लांट की गई सरसों बोते हैं। उसके अंदर क्रॉप जो है वो ऐसी संभावना है कि साधारण क्रॉप से दुगनी तक की पैदावार होने की संभावना है। उसके अलावा हम लोगों ने 5 यहाँ पर राजमा की वैरायटी लगाई हुई हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चिया सीड है, चिया को भी हम यहाँ उत्पादन करके देख रहे हैं। जीरा है, गुजरात की एक वैरायटी है जीरा, वो भी यहाँ पर आया है। अभी हम लोग कलर्ड मेज को भी काम करेंगे। इसी तरीके से ये सारे कार्यक्रम हमारे फार्म के ऊपर रिसर्च फार्म पे चल रहे हैं, जो हम लोग किसानों के लिए करते हैं, वो जो छात्र हैं वो भी इनको आकर के देख, उनकी सहभागिता होगी तो उन्हें भी इसके बारे में ज्ञान होगा और वो अपनी पढ़ाई का उपयोग यहाँ कर सकेंगे। इसी के साथ साथ जो विद्यालय के अंदर, जो विश्वविद्यालय का जो कृषि महाविद्यालय है, उनके फॉर्म के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे आलू की कई वैरायटी लगी हुई हैं, उन्होंने शुगर केन के साथ में इंटरक्रॉपिंग करा है, तो जो भी वहाँ पर लगा हुआ है उसको हमारे किसान भी और हमारे यहाँ जो अपने विभिन्न योजनाओं में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो भी उनका, जो उनके यहाँ लगे हुए हैं उनका भी लाभ वो लेंगे। तो इस तरीके से दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग मिल करके यहाँ मुरादाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ही अपने जो ज्ञान है, हमारे साथ जो लोग हैं, रिसर्च हैं, उससे आगे बढ़ेंगे और युवाओं को एक आत्मनिर्भर और एक स्वरोजगार की भावना अंदर डेवलप होगी और काफ़ी सारे स्वरोजगारों का सृजन होगा।